आज के इस डे में कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं हम देखने वाले हैं, मतलब सम इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कैन, कूड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों कालों के टेंसेस की क्रियाओं का अभ्यास किया है, वहाँ भी आपने सहायक क्रियाओं को स्पेशल वर्ब्स अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मे ये सहायक क्रियाएं हैं, दोनों का अर्थ है सकना, पर इस सकना के अर्थों में भेद है जिसे आप नीचे दिए गए वाक्य में स्वयं समझ सकेंगे। कूड कैन का भूतकाल है और माइट हैव मे का भूतकाल है। कूड और उड से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। तो चलिए इनको अब हम समझ लेते हैं। सो इस कन्वर्सेशन में रजनी और शशि ये दो कैरेक्टर्स हैं। रजनी कहती है कैन यू प्ले सितार, मतलब क्या तुम सितार बजा सकती हो। सो शशि कहती है यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल, मतलब हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। सो रजनी कहती है कैन यू रिटर्न माई बुक्स, क्या तुम मेरी पुस्तक लौटा सकती हो। कैन यू रिटर्न माई बुक्स। सो शशि कहती है नो आई कॉन्ट रिटर्न देम इट, मतलब नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। सो रजनी कहती है कैन यू रीड संस्कृत, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो। कैन यू रीड संस्कृत। सो शशि कहती है यस आई कैन, अगर नहीं पढ़ सकती तो वो कहती नो आई कॉन्ट। सो इस तरीके से हम अपनी बोलचाल में कैन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं मे का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट और टीचर ये दो कैरेक्टर है। स्टूडेंट कहता है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर। सो टीचर कहता है यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो या फिर तुम आओ। यस यू मे। सो स्टूडेंट कहता है मे आई अटेंड बाल सभा सर, मतलब क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ। मे आई अटेंड बाल सभा सर। सो टीचर कहता है यस विद ग्रेट प्लेजर, यस विद ग्रेट प्लेजर। आप इसकी जगह पर अफकोर्स का भी यूज कर सकते हो। यस अफकोर्स। स्टूडेंट कहता है सर मे आई अकंपनी सुरेश, मतलब क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर। सो टीचर कहता है नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट, मतलब नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो। सो अब हम खुद को किस तरीके से अपनी स्पोकन में यूज कर सकते उसे देखने वाले हैं। यहाँ पे दो कैरेक्टर है राजू और सुरेश। राजू कहता है कुड यू डू दिस वर्क अलोन, कुड यू डू दिस वर्क अलोन, क्या तुम यह काम अकेले कर सके। नो आई कुडंट, नहीं मैं इसे अकेले नहीं कर सका। नो आई कुडंट। राजू कहता है कुड शी हेल्प यू इन टाइम, कुड शी हेल्प यू इन टाइम, मतलब क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी। सो सुरेश कहता है यस शी कुड, हाँ कर सकी। यस शी कुड। राजू कहता है कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। सो सुरेश कहता है विथ प्लेजर, खुशी से, विथ प्लेजर, खुशी से। माइट, मस्ट, ऑट टू और वुड, शुड का भी इस्तेमाल इसी तरीके से होता है दोस्तों, तो चलिए उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सोहन माइट हैव हेल्प हिम, सोहन माइट हैव हेल्प हिम, मतलब शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही माइट हैव कम हियर, मतलब शायद वह यहाँ आया होगा।
ही माइट हैव कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, मतलब मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, मतलब मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ऑट टू लव अवर यंगर्स, वी ऑट टू लव अवर यंगर्स, मतलब हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू लव अवर यंगर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। ऐसे ही लेसन्स को डेली पाने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करके आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।